है लामी थ्योरम, यानी अगर एक प्लेन ट्रायंगल आपको दे दिया जाए और उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को तीन वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उनके बीच में एंगल और उन वेक्टर में क्या रिलेशन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, उन तीनों को हमने ट्रायंगल के तीन साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तीनों को देखिए सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तीनों जा रहे हैं। ओके, ट्रायंगल लॉ में क्या होना चाहिए था, कोई भी एक साइड अगर क्लॉकवाइज हो जाता तो रिजल्टेंट बताता, लेकिन तीनों एंटी क्लॉकवाइज है मतलब तीनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए के अपोजिट वाले वर्टेक्स का जो एंगल होगा उसको हमने नाम दिया अल्फा, उसी तरीके से वेक्टर बी के अपोजिट के एंगल को हमने कहा बीटा, एंड वेक्टर सी के अपोजिट के एंगल को हमने कह दिया गामा। तो तीन वर्टेक्स, तीनों पे हमने एंगल का नाम रख दिया, तीन साइड्स आपको ट्रायंगल के मिल चुके हैं। अब देखिए आपके पास ए और बी है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल की हम बात करें कि कितना होगा, तो ये एंगल होगा, जो एक्सटीरियर एंगल है ये रिप्रेजेंट करेगा ए और बी के एंगल को। ओके, उसी तरीके से बी और सी के बीच का एंगल ये बाहर वाला हो जाएगा और सी और ए के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, देखिए ये वैल्यू आपका हो जाए कितना 180 माइनस गामा, सिमिलरली ये कितना हो गया आपका 180 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया 180 माइनस बीटा। तो तीनों के बीच का एंगल हमने निकाल लिया, मतलब ए बी के बीच का, बी सी और सी ए के बीच का एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास होगा क्या, देखिए एस या अप्लाई करें कि अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि तीनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, दिख रहा है यहां पे सेम ऑर्डर में है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये मिला आपको, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन। ठीक, अब देखिए इक्वेशन वन में हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वेक्टर ए से। ठीक है, देखिए करें मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय वेक्टर ए, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय इक्वेशन ए, हमें क्या मिलेगा, देखिए इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, ए क्रॉस ए सेल्फ का सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर मिला आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स ये इक्वल टू, क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये इधर जाएगा तो हो गया माइनस ए क्रॉस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। ठीक, ये इधर गया तो माइनस हो गया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ओके, अब यहां देखिए इस इक्वेशन को अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी अगर आप लिख रहे हैं तो ए बी में देखिए ए है और बी है, इसके बीच एंगल कितना है 180 माइनस गामा, तो लिख सकते हैं ए बी साइन 180 माइनस गामा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, आइए बीच में इसको छोड़ रहे हैं माइनस साइन, इसलिए हमने इसको छोड़ा, ये इसके बराबर है सी क्रॉस ए। तो C क्रॉस A की वैल्यू कितनी हो गई, C A साइन 180 माइनस गामा। अब साइन 180 माइनस गामा की वैल्यू साइन गामा हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी साइन गामा इक्वल्स टू सी ए साइन, यहां बीटा था तो यहां बीटा रहेगा 180 माइनस बीटा, तो ये बीटा हो गया। अब A से A कैंसिल हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं C को इधर भेजे तो C अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू B को इधर भेज रहे हैं तो B अपॉन साइन बीटा, रेसिप्रोकल हम करके लिख दिए, ये हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से। यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, इसको हम इक्वेशन दे दिए इक्वेशन टू। अगेन आप पहले इक्वेशन में अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय वेक्टर बी,
वेक्टर बी से किसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, पहले हमने ए से कराया बी से करा रहे हैं, तो जब बी से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सॉरी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो, ये मिला। अब बी क्रॉस ए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए देखिए मिला क्या हमारे पास, बी क्रॉस ए इक्वल प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इसको बनाना चाहते हैं ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इक्वल्स टू, अब ये इसके किसके पास हो जाएगा, तो माइनस बी क्रॉस सी। देखिए ये हुआ, इसको इधर लेके जाएंगे जीरो को, हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ये मिला हमारे पास। ओके, या आप बी क्रॉस ए को लेके चलिए, बी क्रॉस ए इसके साथ कर लिए तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि इसको हम इधर, इसको इधर लेके गए तो माइनस हो गया, और इसको मतलब क्या लिखा, ए क्रॉस बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से आप आ जाइए, फिर इसके साथ लिखिए इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन और ए बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस गामा इक्वल्स टू क्या है, बी ए है, तो बी ए के बीच का आप देखिए, बी है और बी ए के बीच का एंगल, तो बी ए हम लेंगे नहीं, क्या लेंगे, बी और सी ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बी और सी के साथ करा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस गामा, तो बी सी साइन 180 माइनस सॉरी अल्फा है, अल्फा हमने कर दिया यहाँ पे, देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ए साइन गामा इक्वल्स टू सी साइन अल्फा। ओके, तो इसको अगर रिलेशन में लिखें तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर रहे हैं तो ये हो सकता है आपका सी अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा। ओके, तो सी अपॉन साइन गामा ये निकल गया इक्वेशन नंबर, इसको हमने दे दिया थ्री। तो यहां कंपेयर कराइए इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को कंबाइन करा के लिखिए, तो c अपॉन साइन गामा कर बराबर b अपॉन साइन अल्फा है, और c अपॉन साइन गामा कर बराबर a अपॉन साइन अल्फा है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं, तो देखिए क्या करें, कंबाइनिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड व्हाट विल बी गेट, वी गेट a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू c अपॉन साइन गामा, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। इसका यूज करके आप बहुत सारे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कर सकते हैं, कई जगह जब आप मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहां यूज पड़ेगा, जहां वेक्टर की जरूरत पड़ती है फोर्सेस, जहां एक ही पॉइंट पे कई तीन तीन फोर्सेस लग जाते हैं, वहां फोर्सेस को रिजॉल्व करना या किसी अननोन फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए ये बहुत ही सही रूल है, एक लाइन में सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि लामी थ्योरम का प्रूफ है ये, आया कहां से, रिलेशन क्या है, ए अपॉन साइन अल्फा, यानी कि ए क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अपोजिट का एंगल साइन अल्फा, जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अपोजिट का एंगल साइन बीटा, और जो वेक्टर सी है उसके अपोजिट का साइन गामा, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसी को हम कहते हैं लामी थ्योरम। और बेसिकली क्या है, प्लेन ट्रायंगल के फॉर्म में जो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके बीच में एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।